प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा है नो ब्लाइंड फेथ बी प्रैक्टाइज्ड। मैं डन लिख दिया, वेरी सिंपल, मतलब ब्लाइंड फेथ करने से पहले ये जरूर देख रहे हैं कि जिस बंदे पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो क्या वो तो ब्लाइंड नहीं है। यदि वो ब्लाइंड है तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। मैं दो स्टोरी अब इसमें आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी इस तरीके की गलती ना करें। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि आपको कानूनी जानकारी नहीं है तो ये कोई बहाना नहीं चलने वाला। ये मैंने रवि किराड़ लिखा है, खुशियारा गांव है, राजस्थान का गांव है ये। तो यहाँ पर मेरा ये जानकार है रवि किराड़, इसके पास कोई बंदा चंडीगढ़ का बंदा इसको कार बेच के आ गया, कार बेच दी, पूरे पैसे ले लिए। और रवि भाई साहब ने उसके कोई साइन एनओसी, क्योंकि दूसरी स्टेट में ये प्रॉपर्टी, ये कार थी जो ट्रांसफ़र होनी थी, कोई एनओसी लेना था, कुछ और था, पता नहीं लिया, या उसको पता ही नहीं था, या उसने विश्वास कर लिया, मतलब ब्लाइंड फेथ कर लिया उसके ऊपर। तो अब ये बंदा पैसे लेके चंडीगढ़ में आ गया और 850 किलोमीटर दूर रवि किराड़ बैठा है। रवि किराड़ उसको बार बार फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दे यार, आके साइन कर जा। वो रोज़ ही नए से नए बहाने बना रहा है। ये मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी गुरु में पहला ही चैप्टर लिखा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पहला चैप्टर, पहला पैरा यही है प्रॉपर्टी गुरु में। तो रवि उसके पीछे पीछे और वो बंदा आगे आगे मेरे पास भी आया। मैंने कहा यार मैं अब उसको बंदे को अब देख, मैंने देखा ही नहीं है, जानता तो था मैं बंदे को भी, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस तरह, किस तरीके, उसका फ़ोन नंबर क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि वो बंदा वहाँ से, राजस्थान से आया और मैं चंडीगढ़ वाले बंदे के सामने जाऊँ तो वो उसको ये लगेगा कि यार ये राजस्थान वाले बंदों की फेवर कर रहा है और मैं, हमारे खिलाफ़ हो गया। हालांकि मैंने 1% भी रवि किराड़ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उस बंदे के ख़िलाफ़ जरूर कहा उसको, जितना भी मेरे से हो सका मैंने मैसेज भेजे उसको कि यार तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कार बेच दी है, तुमने पैसे ले लिए, कार उसके नाम पे करवा दो। कार नाम पे नहीं करवाई रवि अपने पास, बस वो कार को ना आगे ले जा सका था, ना पीछे ले जा सकता था, और 5-7 साल वैसे निकल गए, पहले ही 5-7 साल पुरानी थी। कार को कबाड़ में बेचना पड़ा, कार को मतलब ये समझो कि कबाड़िया लेके गया उठा के, मतलब ऐसा ऐसे उसके साथ गड़बड़ की। मतलब पैसा चाहे कम लगा था कार में, जो भी था, लेकिन जब हम पैसा किसी से ले लेते हैं तो हमारी कमिटमेंट है, जो हम कमिटमेंट करते हैं कि ये कागज पत्र आपको पूरे करके देंगे तो हमें देना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने नहीं किया जो चंडीगढ़ में रहता था। रवि किराड़ के साथ ये धोखा हुआ सीधा। अब आप कहोगे कि वो रवि किराड़ पुलिस में क्यों नहीं गया, ये मेरे को नहीं पता गया या नहीं गया, लेकिन उस यदि ऐसी बात थी तो डेफिनेटली उसको पुलिस असिस्टेंस ले लेनी चाहिए थी, ताकि ऐसे बंदे को वहाँ बुला के अपने साइन करवा ले, यदि सीधी तरह से ना मना हो, क्योंकि जब पैसे ले लिए तो चीज़ तो देनी बनती है। ये ब्लाइंड फेथ हो गया या इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो गया, दोनों में से एक चीज होगी, ये हमने इस बात से बचना है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है दलवीर सिंह वर्सेस देवीगढ़ लैंड। देवीगढ़ पटियाला में है और पटियाला से 20-25 किलोमीटर दूर देवीगढ़ कस्बा एक, वहाँ पर जमीन ले ली दलवीर सिंह ने अपने पैसे, उसके पास पड़े थे कुछ, तो पैसे से जमीन लेके बोलने लगा कि यार चलो मेरे को जमीन पसंद है ले लेता हूँ। तो जमीन ले ली, एग्रीमेंट कर लिया। अब ये जो बंदा बेचने वाला ओनर है, ये पूरा शैतान दलबीर सिंह, इसकी चाल ही नहीं समझ पाया। जब इसने ये 70 लाख के आसपास मेरे का डील हुई थी तो इसको 7-10 लाख रुपए पहले दे दिया, फिर वो कहने लगा मेरे को शादी है जी, कोई 5 लाख रुपया और दे दो, 5 और दे दो 5 और, करते करते 70 लाख में 60 लाख रुपया दे बैठा दलबीर सिंह, और उससे ना कब्जा लिया ना अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई। अब मैं दलबीर सिंह मेरे को ले गया कि आप चलो मेरे साथ, मैं गया तो मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर क्या है।
तो कहते हैं जी मैंने इसको जब लैंड ओनर को मिला कि आपने इतना पैसा ले लिया इनके नाम पे रजिस्ट्री करवा दो, वो कहते हैं जी हमारे दो भाई हैं, दोनों भाइयों में जमीन के बंटवारे का केस हमने डाला हुआ है, दो चार महीने में ठीक हो जाएगा तो हम इनके नाम पे रजिस्ट्री करवा देंगे, हम नहीं कहीं भाग रहे। लेकिन उसने ये एक बोल तो दिया कि भाग नहीं भाग रही, लेकिन बंदे भागने वाली थी। दलबीर सिंह ने मोर देन 90% पेमेंट दे दी। 90% पेमेंट देने के बाद जब मैं गया तो मैंने कहा दलबीर सिंह इसको जो इसकी 10% पेमेंट रहती वो भी इसको दे दे और अपने नाम पे कुछ तो कागज बनवा ले, पावर ऑफ अटॉर्नी तो ले लो, कब्जा ले लो। कब्जे में वो गेहूं खड़ी थी, कहते जी कब्जा हम एक महीने तक दे देंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लो, बंदे को तसल्ली होगी। और जो 10-15 लाख रुपया और रह रहा था वो भी ले लिया, पूरी पेमेंट लेके पावर ऑफ अटॉर्नी दलबीर सिंह के नाम पे एग्जीक्यूट कर दी। कब्जा बाद में, कहते हैं कब्जा बाद में दे। इतने शैतान बंदे ये निकले कि दलबीर सिंह की पावर ऑफ अटॉर्नी 4 दिन बाद ही इन्होंने कैंसिल करवा दी, पैसे लिए हुए भी। अब दलबीर सिंह के पास ये एक ही है, मतलब पुलिस स्टेशन में जाए, पुलिस स्टेशन में गया होगा और फिर बाद में कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाके केस दायर किया तो ये जितनी ज़मीन थी 70 लाख की थी शायद, कितनी थी, इसके ऊपर जो कोर्ट फीस है वो लगाई, वकीलों को फीस दी और अपना टाइम ख़राब किया, मेंटल प्रेशर में से निकला। बहुत चीज़ें देखने वाली थी जो दलबीर सिंह नहीं देख पाया। अब हमारे पास कोई बंदा आता है, तजर्बे का यही फायदा होता है, कोई हमारे पास बंदा आता है उसको पैसे की ज़रूरत है तो ठीक है यार, हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमने पैसा दे देना चाहिए उसको, लेकिन अपने आप को तो सेफ करो। जब ये पेमेंट उसकी 25% से ज़्यादा जा चुकी थी तो तभी दलबीर सिंह को कब्जे के लिए जोर डालना चाहिए था कि भाई तू पैसे 25% से छोड़, तू मेरे से 75% ले ले, जो मर्जी ले ले, लेकिन हमें सेफ तो कर देना, कब्जा तो दे दे। तो कब्जा ले लेता, यदि दलबीर सिंह उसका कब्जा ले लेता तो शायद उसमें उसके साथ ये इतनी बड़ी धोखा ना होता इतना। लेकिन उसने ना कब्जा लिया ना कोई कागज, सिर्फ एग्रीमेंट के पीछे लगाता रहा कि इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। वो मैंने जाके फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट करवाया और उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई। पावर ऑफ अटॉर्नी फिर भी उसने 10 दिन के बीच बीच में कैंसिल कर दी। तो दोस्तों इस तरीके के धोखे होते हैं, हमने ब्लाइंड फेथ नहीं करना। यदि आप ब्लाइंड फेथ करोगे तो कहीं ना कहीं मार पड़ेगी आपको। विश्वास को यदि हम विश्वास हिंदी में लिखें यह दो शब्द है, विष, विष का मतलब है जहर और वास का मतलब वासा। मतलब जब आप ओवर विश्वास किसी के ऊपर करते हो तो उसमें जहर आ जाती है, वो आपको नुकसान करती है। सो आपने ध्यान रखना है, ये किसी के ऊपर विश्वास तो कर सकते हो लेकिन अंधविश्वास नहीं करना, ब्लाइंड फेथ नहीं करना। जिस दिन आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया उसी दिन उसने आपको उठा के नीचे धर लिया। सिंपल, ना ब्लाइंड फेथ करो और ना ही किसी कानून से अनजान रहो। क्योंकि यदि हम ये कहेंगे चलो दलबीर सिंह कहते हैं सर मेरे को तो पता नहीं था जी मैंने ये कर, यार पता किसने करना है, पता तो तुम्हें करना है। अब नुकसान किसका हुआ है, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना, पैसे भी चले गए, ज़मीन भी नहीं मिली, ऊपर से कोर्ट केस की टेंशन। ये मेरा ख्याल 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए इस बात को, अभी तक कुछ नहीं निपटा इनका। वो हो सकता है उसके खिलाफ FIR हो गई हो, 2-4 दिन 10 दिन के लिए अंदर हो गया हो, 2 महीने के लिए अंदर हो गया हो, फिर जमानत करा के बाहर घूम रहा हो। उसके अंदर होने से दलबीर सिंह को क्या मिला? एक सिर्फ साइकोलॉजिकली तो हो सकता है कि यार मैंने उसको अंदर जेल में करवा दिया, लेकिन तू फाइनेंशियली इतना बड़ा लॉस कर गया, तेरा फाइनेंशियली इतना बड़ा लॉस हो गया तो उसके जेल में जाने से तेरे को क्या मिला? तेरे को तो मिला ही कुछ नहीं। हमने अपनी सोच बदलनी है यार, किसी को जेल में दो या ना दो, अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखो अपना। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर आपकी आंख होनी चाहिए, आपका निशाना मछली की आंख होनी चाहिए, आपका फाइनेंस होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने इन बंदों को अंदर करवा दिया तो ठीक है जी हमारी तसल्ली होगी। ये तसल्ली होने से हमें क्या मिला? अंदर हो जाए बाहर हो जाए, हमें हमारा तो पैसा डूब गया, सारे का सारा पैसा डूब गया। और वो जो जित पैसा उसको दिया था, यदि आज हम ज़मीन उसके ले उससे आधी ज़मीन ही मिलेगी हमें यदि हमारे साथ फैसला भी हो जाता है। तो हम तो मतलब दोनों सिचुएशनों में डूब गए।
दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना इसमें जमीन मिली ना पैसा मिला, और मन की शांति उल्टा भंग होगी। तो हमने इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने बहुत ध्यान रखना है कि ब्लाइंड फेथ को प्रैक्टिस में नहीं लाना, आपने विश्वास करना है, जितना कर सको उतना ही करना है, जरूरत से ज़्यादा नहीं करना। और कानून के बारे में नहीं पता तो कानून के बारे में भी जानना है, जैसे रवि किराड़ ने नुकसान उठाया, मेंटल प्रेशर झेला है, और इसी तरीके से दलबीर सिंह ने झेला है, ये बातों का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चर्चा करना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। यदि आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।